अब एक पीवर होता क्या है? पीवर शब्द का मतलब ही होता है प्लेयर, जो खेलता है। एक पीवर जानता है लड़की को बहुत प्यार के बाद थोड़ा झगड़ा चाहिए होता है, रूठने के बाद मनाना। बहुत खुशी के बाद औरत को दुख चाहिए होता है। देखो, अगर तुम लड़की के फीलिंग के साथ नहीं खेलते तो वो चिढ़ जाती है और अपने प्यार में कमी कर देती है, या फिर आपसे बेवजह रूठ कर लड़कर अपना नशा पूरा करती है। तुम उससे नहीं लड़ते तो भी वो तुमसे लड़ जाती है। प्यार में लड़ाई होगी ही होगी, तुम नहीं करोगे तो वो खुद करेगी, क्योंकि प्यार के बाद उसे लड़ाई चाहिए, प्यार के बाद उसे रूठना चाहिए। कई बार आपने देखा है लड़की आपको इतना तंग करेगी, इतना परेशान करेगी, रात के 2 बजे तुम्हें कॉल करके कहेगी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बात करनी है, और आपसे ये भी कहेगी मैंने आपकी नींद खराब की ना, मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो ऐसा करेगी कि तुम उसे चिढ़कर गाली दो, फिर बोलेगी ठीक है बात नहीं करनी है तो ना करो, सो जाओ। तुम सोचोगे इसे तो बात नहीं करनी थी, फिर मेरी नींद क्यों खराब की। फिर दूसरे दिन बोलेगी मैंने आपकी नींद खराब की थी ना, सॉरी मेरी गलती थी। देखो, तुम अपनी तरफ से ये नहीं कर रहे हो, लेकिन शिकारी क्या करता है, वो ये चीज भी अपने हाथ में रखता है। सबसे मजेदार चीज तब होती है जब लड़की का कसूर भी नहीं होता और तुम नाराज हो जाते हो। कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, ये क्या बात हुई आउट ऑफ कवरेज। वो सुनती रहती है, फिर रोती है और कहती है आउट ऑफ कवरेज आ रहा, इसमें मेरी क्या गलती है, कवरेज मैं थोड़ी ना बनाती हूँ। फिर मैं शाम को बोलता हूँ सॉरी यार दिमाग खराब था, फिर वो रूठी रहती है, मैं मनाता रहता हूँ। यानी वो भी मैं डिसाइड करता हूँ कि लड़ना कब है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मेरी गर्लफ्रेंड परेशान हो जाती है, साला सब कुछ तू डिसाइड करता है, अच्छा भी तू डिसाइड करता है और बुरा भी तू डिसाइड करता है। देखो, एक बात ध्यान देना, मैंने यूं ही कहा है, एग्जांपल के लिए कहा है, फालतू चीज़ों पर नाराज हो सकते हो लेकिन इससे बचना, बेकार चीज़ों पर बेवजह नाराज नहीं होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए लड़की तुम्हें संकी समझने लग पड़े, पागल समझने लग पड़े, कभी भी चिल्लाता है, चीखता है, बोलेगी ये तो साइको है। मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा है, देखना कि तुम बेवजह अपना दिमाग गर्म ना करो, पहले पता करो या किसी अच्छी वजह का इंतजार करो, अच्छी सी घटना का इंतजार करो, देखो किस बात पर नाराज हुआ जा सकता है, और उसे भी खेल की तरह लेना है। कई बार लोग क्या करते हैं, खुद ही झूठा गुस्सा दिखाते हैं और फिर उस गुस्से को इतना बढ़ा देते हैं, खुद ही लड़कर खुद ही गुस्सा तोड़ भी देते हैं, लड़की चली भी जाती है, फिर बंदा सोचता है पंगा शुरू कहाँ से हुआ था, मैंने तो झूठा गुस्सा दिखाने से शुरू किया था। तो ये पता होना चाहिए कितना झगड़ा करना है, बहुत कम, थोड़ा सा 5%, यानी अगर एक अच्छी लड़ाई 100% होती है तो तुम्हें सिर्फ 5% झगड़ा करना है। दूसरी बात, लड़ाई में उम्मीदें नहीं दिखानी है कि मुझे तुमसे क्या उम्मीद थी, उम्मीदों के लिए नहीं लड़ना है। जैसे कुछ लड़के बोलते हैं ना, तुमने तो पूछा ही नहीं, कहाँ हो, बीमार हो, कैसा हो, तुम तो मेरी परवाह ही नहीं करती। ये लड़ाई थोड़ी ना है, ये शिकायतें हैं, तुम तो उसकी ताकत बता रहे हो। तुम्हें उस चीज के लिए नहीं लड़ना है जिसमें तुम्हारी जरूरत टिकी हो, कि मेरी जरूरत थी और तुम ना आए। तुम लड़की गलत व्यवहार के लिए लड़ सकते हो, उसकी कोई बुरी आदत के लिए लड़ सकते हो।